बागवानी विभाग ने जिला कुलगाम में बागवानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से लैस करने के उद्देश्य से एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस जागरूकता कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान और विभिन्न कॉलेजों के छात्रों ने भाग लिया। कॉन्फ्रेंस हॉल कुलगाम में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में जिला अधिकारी निसार अहमद गनी और बागवानी विकास अधिकारी डॉक्टर आरिफा ने किसानों और छात्रों से बातचीत करते हुए उन्हें मिशन फॉर इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत विभिन्न तकनीकों के बारे में जानकारी दी। चीफ साहब को पैसा मिलता है कि एक बड़े लेवल पर एक कैंप करें जिसमें जो परमानेंट ग्रोवर्स हैं या डी साहब है या डीडीसी मेंबर्स हैं इनको भी शामिल करें और इसके अच्छे से कवरेज भी मिले। ये मेन मतलब है अवेयरनेस का ही। तो जो अभी आज हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोलगा में यहाँ इनिशिएट किया है इसमें तो एक तो चीफ साहब भी थे, एसएमएस साहब भी थे और जो बाकी केवीके वाले भी थे, एग्रीकल्चर वाले भी थे। इसमें डी साहब ने भी शिरकत की, फिर डीडीसी चेयरमैन ने भी शिरकत की, कुछ ये जो सरपंच हजरा थे उनने भी शिरकत की। इसके अलावा यहाँ से उनने खुद से तौर पर मदद किया थे जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं, बॉयज़ कॉलेज हैं या वुमेन कॉलेज हैं, उनसे भी लड़के और लड़कियाँ यहाँ तालिबात यहाँ उनने भी शिरकत की ताकि जो हमारे नई पौधे हैं इनको भी पता चले कि डिपार्टमेंट क्या है, इसका क्या काम है, इसका क्या पोटेंशियल है, इसमें स्कीम्स क्या है, उनको भी इंटरेस्ट लगे। क्योंकि जनरली हम देखते हैं जो हमारी नई पौध है, जो हमारी नई जनरेशन है, वो एग्रीकल्चर से या हॉर्टिकल्चर से दूर भाग रहे हैं। तो जब तक ना ऐसे प्रोग्राम किए जाएँ ताकि उनको पता चले कि इसमें क्या पोटेंशियल है और इसमें हम क्या कर सकते हैं आगे, ताकि जो हम अभी इंटरनेशनल मुकाबला हो रहा है जो भी हाई डेंसिटी में हम देख रहे हैं वो तो उसी के लिए है ताकि हम कॉम्पिटिशन में पूरे उतर सके। अब वॉलट में भी हाई डेंसिटी आ गया, अब नेक्स्ट ईयर से चेरी में भी हाई डेंसिटी आ गया, अब केवी भी इंट्रोड्यूस डिपार्टमेंट ने किया है, तो मुख्तलिफ इवन ग्रेप्स भी आपने देखा है वहाँ होगा, एक फार्मर ने लाया था उसकी ग्रेप्स की अच्छी प्रोडक्शन।